बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्म कुन लवलिय कल हज्जत इब्न हसन सलातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि सआत व फी कुल्लि सआत मन सआते लैल व नहार वलियुम व हाफिज़ुम व क़ाइदम व नासिरुम व दलीलुम व ऐनुन हत्ता तुस्कनहु अर्ज़क़तौहन व तुमत्तेहु फीहा तवीला या रब मोहम्मद वाले मोहम्मद सल अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजा वाले मोहम्मद सलवात खानदान तफी मजमा काफ़ी है, काफ़ी तादाद सादात मोमिनीन हुसैन बादशाह दे मातमी अजदार मेरे शिया सुन्नी भाई तशरीफ फरमाओ। कोशिश करके खानदाने इस्मत व तहारत से जितनी बुलंद आवाज पढ़ सको उतनी बुलंद सलवात। अपने अपने मरहूमीन बिलखुसूस बानियान जश्न किबला सैयद रमज़ान शाह साहब सैयद आरिफ शाह साहब इन्हें जितने मरहूमीन जहान फानी तो टुर गए तमाम मरहूमीन के बुलंदी दर्जात वास्ते भी बाबा से बुलंद सलवा। सरकारी कायम आले मोहम्मद हुज्जत खुदा दे आमद और सलामती वास्ते सलवाते कबड़ो रल के आवाज़े बुलंद। तमाम मवालियां ने हैदरे करार सादात मोमिनीन मेरे शिया सुन्नी भाइयों जश्न सादिकैन दी मुबारक हो। खैर मुबारक, बहुत ही खूबसूरत माहौल, बड़े पढ़े लिखे दाना संजीदा और फहमीदा चेहरे तशरीफ फरमा। जदों भी कोई अच्छे लफ्ज तौसा तुहाडे चेहरे की ज़ियारत दा शरफ हासिल होया, जदों भी कोई अच्छी गल कीती है तुसां अज़ादारां ने मोमिनीन ने कदे मैं मायूस नहीं किया। तुहाडे मेरे समाज को मद्देनज़र रख के मैं एक कथा तिलावत कर रहा, गल तुहाडे नाल नहीं कर रहा, गल कर रहा खालिक अकबर दे प्यारे महबूब नाल। थोड़ा जा जश्न की तरतीब ऐसी है कि जदों भी किसी महफिल जश्न कोई जाकरीन के दरम्यान या शुआरा के दरम्यान कोई इनाम रखा वैंदा ना, वो मजमा सारा जज बन के बैठ जाए। बानिया ने जश्न ने जजिस का एहतमाम किते, वो जिहड़ी जज करने वाली ड्यूटी है ना जिम्मेदारी वो उन्होंने। तुसा खालिक अकबर दे प्यारे महबूब का जश्न मनाने, मालिक जिंदगी दराज फरमावे, जाकर अल बैत सजा अच्छा सब शुमारी है। वो कसीदा पढ़न तो पहले आ दिन भाई मैं कसीदा ता पढ़ा जे तुसी कसीदे वाला पहले मुँह बढ़ाओ। मेरे तो पहले मालकान तो बड़े खूबसूरत मदा खान वो पढ़ रहे हैं, तो अक्सर बंद मैं वेखे बई उन्होंने इवें वेख रहे हैं जिमें टीवी नहीं वेखीदा। ठीक है, ठीक है। जश्न और खामोशी जोड़ने, ठीक है। कथा सुनाओ जी, गल तुहाडे नाल नहीं, गल कर रहे हैं खालिक अकबर दे प्यारे महबूब। ठीक है भजन,
आपका साउंड बड़ा कमाल है, इसकी इको थोड़ी सी कम कर दें, मेरी ज़रा लफ्ज़ों वाली जाकरी है ताकि वो खिलारा ना पवे। गौर है जी, पहली गल मैं करन लगा, मैं कह रहा या रसूलल्लाह जमजमो कौसर हो तस्नीम नहीं लिख सकता, उम्मीद तो है कि आप में शोर सुनने वाले कम लफ्ज़ों को सुनने वाले ज़्यादा बैठे। वैसे भी मैं जब आया तो मुझे भाई आरिफ शाह साहब ने फरमाया कि जहाँ काफ़ी सारे हमारे अहले सुन्नत भाई हमारी जान वो तशरीफ़ फरमाए, खुश आमदीद भी कहता हूँ और थोड़ा सा जिक्र पाक मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों के। मैं कह रहे हैं रसूलल्लाह जमजमो कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, मैं एक दफ़ा फिर अक्सा मेरी गल जाया ना होवे, मैं कह रहे हैं रसूलल्लाह जमजमो कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता, या नबी आप, तीन बंदे ऐसे होते हैं महफिल में बोलते ही, एक वो बंदा जिसको समझ ना आए, एक वो बंदा जिसको बात पसंद ना आए, तीसरा वो बंदा जो मर्जी पढ़ दो बोलता ही नहीं। ठीक है, मैं ये नहीं तवक्को रखता कि आपको बात समझ नहीं आएगी, ये भी तवक्को नहीं रखता कि खालिक अकबर के प्यारे महबूब की इतनी प्यारी मैं कता रुबाई तिलावत करूं और आपको वो बात पसंद आए, ये भी तवक्को नहीं रखता, जिस नहीं ना बोलना वो बोल दे। ठीक है, हूँ मैं नतीजा पेश करने लगा, मेरे मालिक मेरी मदद करें। मैं कह रहा कि जमजम व कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता, मैं पहले अर्ज की थी भाई जज बन के नहीं सुनना, ठीक है, गौर करना, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता। मैं कह रहा या रसूल अल्लाह मैं अगर सात समंदर भी न छोड़ूं फिर भी आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता, ऐसे बोले, ऐसे बोले, ऐसे बोले ना जी, सरकार की आमद, पत्नी की आमद, पत्नी की आमद, जियो जी। अच्छा अच्छा जी जी, मेरी नौकरी है, मेरे सामने तकरीबन सारे पंचतनी बैठे हैं और जो पंचतनी होता है ना वो जिद्दी नहीं होता, ठीक है, जिद जो है ना जी ये शैतान की सिफत है, ठीक है, ये इबलीसियत है जिद, ठीक है, कोई भी मैं यहाँ नहीं देख रहा कि जो जिद करके बैठो, हाँ ये मैं बात ज़रूर करूँगा कि चेहरे पे ना मुस्कुराहट ये ज़रूर, ठीक है, जमजमो कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, जानबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता, मैं अगर सात समंदर भी न छोड़ूँ फिर भी आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। आपके प्यार का शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, नाते रसूल मकबूल, आए आए बिस्मिल्लाह, आए मालकों के और खूबसूरत मदाखान प्यारे भाई सैयद वकार शिराजी साहब, आपकी जानी पहचानी शख्सियत है, मेरी खुश नसीबी के तशरीफ ले है, सैयद हैं, मेरे हक में दुआ करेंगे, नात पढ़े जी। अच्छा चले, मैं आपकी खामोशी को देख के ना ऐसे करता हूँ, केडी सोहनी गल होवे भाई कमर, भाई शिया कौम का एक अदना जहा खादिम होवे, मिंबर रसूल ते खलोता होवे, नात पढ़े ते नात पढ़े मदीने अली, वाह 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 वाह,
पहली नात जरा सुनिएगा जी, खसूसन जो लफ्जों के खरीदार तशरीफ फरमाए, ठीक है, लफ्ज लफ्ज आपको सुनाने तो जो खरीदार तशरीफ। मैं पहली लाइन तिलावत करने लगा हूँ, ले आए भाई जान जल्दी ले, माशाल्लाह ले आए जी ले आए माशाल्लाह। एक सलवात खानदानी सैयद आप बुला आप शुरू करें जी। ये जो मेडल लाने वाला और ये न्याज लाने वाला, ये टाइम मेरे टाइम में शुमार नहीं होगा, ठीक है, ऐसी बात है जी, बोलो तो सही। नहीं ना सुने जी, खूबसूरत करके, ठीक है, हर चीज की दाद मिलेगी, लफ्जों की भी सुर की भी, ठीक है, खूबसूरत करके जम के। सदका मेरे आका का है आम मदीने में, मोहब्बत वास्ते मैं मिसरा फिर दोहरा रहा, मैं इस करें हाँ हाँ हाँ। सदका मेरे आका का है आम मदीने में, सदका मेरे आका का है आम मदीने में, सदका गया। अच्छा मैं अगली गल करूं तो पहले ना, जो पीछे बैठे हैं ना जी, आप ये मत समझिएगा कि आप अंधेरे में बैठे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी अंधेरे में न रखूं, ठीक है, आपने भी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं ना वो आपको देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर मेरा हक बने तो आपने मेरा हक रखना, वैसे भी आपने मेरा हक क्यों रखना है, हक रखने वालों को हम अच्छा समझते ही नहीं, गौर करने गौर करें, मेरा हक बने तो रखिएगा नहीं, मेरी हूँ मजबूरी है कि मैं समझ नहीं आ रही, मैं इधर वेख के पढ़ने इधर वेखना या उधर वेखना, ठीक है, जिते जिते बैठे हो मेरी गल पसंद आवे। मैं अगला मिसरा जश्न वाला नहीं मुशायरे वाला पेश कर रहा हूँ, मुशायरे वाला, ठीक है, मेरी खुशनसीबी है कि शुरा तशरीफ फरमाए तो इसलिए मुझे लुत्फ आएगा, मैं मिसरा पेश कर रहा मुशायरे वाला, वेखा तो सही जश्न मुकदस दे मुशायरे वाला मिसरा कि सुने वाले मर्ज करें। सदका मेरे आका का है आम मदीने में, सदका मेरे आका का है आम मदीने में, नाकामियां होती गया। मेरे हिसाब में मुश्किल मिसरा था, लेकिन आपने सुन के ये बताया कि आप वाकई मुश्किल को शाह के मानना है, ठीक है, मैं पहले अर्ज की थी कि मुशायरे वाला मिसरा सदका मेरे आका का है आम मदीने में, नाकामियां होती हैं
नाकाम मदीन। इस पूरे मजमे में कोई सैयद बैठे? आप सैयद हैं, आप सैयद हैं, हाथ ऊंचा करें जी जो सैयद बैठे। चूंकि बात मैं सादात के बारे में कर रहा हूं, अज साडे बिरा एक नाथ प्रदेन निम्मी निम्मी वगदी है, पूरे दी हवाए नहीं, आखी नबी पाक नू मदीने चा कोई नहीं आती। सुनी हुई तो सहाया हुए चुप कर गए, ठीक है, मदीने चा बुलाए। मकसद क्या है कि या रसूलल्लाह अपने दरबार पे अपने रोजे पे हाजिरी का शरफ बख्शे, यो मकसद है। कोई हुआ था करो, यो मकसद है कि या रसूलल्लाह अपने दरबार पे अपने रोजे पे हाजिरी का शरफ बख्शे। मैं अकरम रवी जरूर मदीने वाज, जरा नहीं गया मालिक लख वार मदीने की ज्यारत नसीब फरमाए, लेकिन लेकिन जरा मेरा वीर सुबह दोपहर शाम दिनों शेर में क़यामत है खुदा की कसम, ठीक है। ये तो थोड़ा मजमा वसूल करके दसी भाई शेर कैसा है। मैं कह रहा मेरा वीर जरूर मदीने वन, लेकिन मदीने वन तो पहले मेरी गल वो पल्ले बन के फिर वने फिर वो सवाल करना कर दे या सिर्फ दसो तो सही। मदीने वन तो पहले मैं करना क्या है, तो मैं हाथ जोड़ के मैं अर्ज करता मेरा वीर मदीने वन तो पहले जिसका नाता लखवारी मदीने वाज, लेकिन मदीने वाज तो पहले मेरी गल सुन। बड़ी बड़ी कमाल दाद भी होगी दुआ भी होगी, लेकिन लेकिन जहां मैं बात चाह रहा था ना कि जहां बात पहुंचे वहां भी बात पहुंची नहीं। मैं कोशिश करता हूं अगला शेर ऐसा पढूं जितने मेरे शिया सुनी भाई तशरीफ फरमाए, आजादार मातमी तशरीफ फरमाए, सारे नौकर के हक में दुआ करें। इतना लंबा सफर करके ना आपके चेहरों की जियारत के लिए हाजिर हुए, ठीक है। आप चेहरा ऐसा बनाए कि जियारत के काबिल हो, गौर करें। कमर भी रोड किबला शाह साहब, मैं अली भाई शेर वो पढ़ने लगा कि पूरे मुल्क च ये शेर मेरे अहले सुन्नत भाइयों ने सब तो ज्यादा पसंद किया, ठीक है। मेरे सुनी बिरावा ने सब तो और तकरीबन हर किस्म की दाद उन्होंने अता की, ठीक है। मैं थोड़े चेहरे वेखने शेर पढ़ के थोड़े चेहरे की ज़ियारत करनी है केड़े हलाली मवाली सैयद फकीर मातमी हज़रदार शेर सुनी भाई नू मेरी गल पसंद है। भाई तो जी नहीं डायरेक्ट शेर पढ़ना चाह रहे हैं, गौर करना है। मैं कर रहे
जरा शेर मेरे सुनी भरावान पसंद आया वो शेर मैं दोबारा नजर कर रहा अपने मातमी बाइया के हुक्म से मैं फिर अर्ज कर मैं कर रहा हाँ हाँ उठू तो अली कहकर सो जाऊं नबी कहकर आगाज नजफ से हो अंजाम मदीने में शेर तो कमाल कितना कमाल शेर है किस औज पे किस बुलंदी पे शेर है कितनी दुआ आप अता करेंगे कमर भाई शेर सुन खुदा दी कसम है शेर नहीं बस जो आप देंगे ना आपकी मोहब्बत समझ के कबूल करूंगा शेर की कीमत नहीं है ये मैं पहले क्या जरा गौर करना है मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा औलादे पैगंबर मुराद अहले बैत का पाक घराना औलादे पैगंबर एक लफ्ज मैं बच्चों के लिए वजाहत कर दूं एक लफ्ज है कैदी एक लफ्ज है जमानत जब भी कोई कैदी कैद होता है उसकी जमानत दे के उसको रिहा करवाया जाता है ठीक है मैं फिर अर्ज कर रहा हूं शेर की कीमत नहीं जो आप देंगे आपकी मोहब्बत समझ के कबूल करो हूँ शेर सुनो लफ्ज कैदी लफ्ज जमानत एक दफा फिर बच्चा वास्ते दोहरा रहा लफ्ज कैदी लफ्ज जमानत औलादे पे अमर गौर करना है मैं अर्ज कर रहा हूं देती ना जमानत जो औलाद पैगंबर की कैदी की तरह रहता भाई मालिक आपके अकीदे सलामत रखे मालिक आपके मार्फत सलामत रखे क्या कहने बहुत शुक्रिया फिर कहूँ जी फिर सबके सबका प्रोग्राम है जी बनू जो पीछे मेरे जवान भाई तशरीफ फिर पढ़ दू जी सबके फिर आप आपके हाथ भी बुलंद होने चाहिए ठीक है जश्न है जेड़ा बंदा रबीउल अव्वल भी खुश नहीं उसने जाकिर मस्कीन के आख सकता है ठीक है चेहरा जश्न वाला बनाए और करने शेर पे नजर करें बस करें
मैं सदके जाऊँ बाबा जी सुभान अल्लाह मालिक की जिंदगी जरा सुना है चिट्टी दाढ़ी है लेकिन खूबसूरत मैं समा है लें एक कसीदा हुक्म के मुताबिक क्योंकि बानिया ने जश्न ने हुक्म किया कि ये जो जश्न है ये है जश्न सादिक है ठीक है एक कसीदा अगर आपकी इजाज़त हो कसीदा बड़ा खूबसूरत है लेकिन आपने जज बन के नहीं सुनना आपने सादिक आले मोहम्मद का नौकर बन के सुनना है अब आपके चेहरे बताएंगे कि आप कैसे सुने कसीदा बड़ा कीमती है बेटा अभी नीचे करो इसको है बड़ा खूबसूरत कसीदा निकालो कैसे एक खूबसूरत सलवात तुसी पढ़ो ते मैं सादिक आले मोहम्मद दी शान है एक अगर सलवात आप इससे थोड़ी बुलंद पढ़े ना मैं रूह लगा के आपको किसी को जाफर का पाक जिक्र मुकद्दर की बात है गौर करने तुहरे प्यार का शुक्रिया तुहरी शायरी सुननी है जी शायरी सुननी गौर करने तुहरे प्यार वास्ते मिस्टर फेदोर आ रहे अर्ज कर रहे हां जाफर का पाक जिक्र मुकद्दर की बात है जाफर का पाक जिक्र मुकद्दर की बात है जाफर का पाक जिक्र मुकद्दर बार बार करें आज जाफर का पाक जिक्र मुकद्दर की भाई जब तक सब नहीं कहेंगे ना अगला मिसरा नहीं कहूंगा और कहें जाफर का पाक जिक्र मुकद्दर की नहीं अजय भी साहब नहीं बोल रहा मुकद्दर की नहीं नहीं भाई यार आप पीछे वाले तरह बोले मुकद्दर की ऐसे ऐसे बोलना चाहिए जाफर का पाक जिक्र मुकद्दर की बात ये जेड़ा पाक सादिक आले मोहम्मद का पाक जिक्र ये जेड़ा मेरे लबां ते है ये असल इच है क्या दूसरे मिसरे पेश करा खसूसन जो अच्छे लफ्जों को पसंद करते हैं हंस करें जाफर का पाक जिक्र मुकद्दर की बात है जाफर का पाक जिक्र मुकद्दर की बात है जाफर का पाक जिक्र मुकद्दर की बात है तेरे के लब पे आज समंदर की बात है अरे क्या कह रहे क्या कह रहे क्या कह रहे मैं सद के मैं सरकारी सादिक आले मोहम्मद टाइम टाइम इतना है मुझे टाइम इतना दिया गया वरना मैं तो कोई डेढ़ दो घंटे वाला पढ़ने वाला बंदा हूँ टाइम जी बिस्मिल्लाह करा जाफर का पाक जिक्र मुकद्दर की बात है कतरे के लब पे आज भूल गए समंदर की बात है जरा गौर कर रहे कुछ चेहरे ना अभी भी उदास है ठीक है पहले पहले मैं शेर पढ़ता हूँ जरा उनकी उदासी दूर करने के लिए गौर कर रहे मैं कर रहे क्यों इसका जिक्र सुन के पीछे है उदास है क्यों इसका जिक्र सुन के पीछे है उदास है ये भी तो अपने वक्त के है दर की बात है ऐसे ऐसे बोलना चाहिए ऐसे बोलना चाहिए भाई सर क्या सारे 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 अच्छा
जिंदगी दराज में है। क्यों 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 इसका जिक्र सुन के भी चेहरे उदास हैं? ये भी तो अपने दौर के हैदर की बात है। सारे मुश्किल कुछ आके मानने वाले हैं। अगर मैं एक मुश्किल शेर पढूं आप मेरा साथ देंगे? ठीक है, मैंने पहले कहा आप माओ की गोद से ये जिक्र सुनने लगे। मैं ये नहीं तवक्को रखता कि किसी को बात समझ नहीं आई, ये नहीं तवक्को रखता, ठीक है। लेकिन मेरी अपील ये है कि जिसको समझ आए ना वो मेरी मदद ज़रूर करे, ठीक है। मौजू भी मुश्किल है, आपको पता है जाकरीन ये मौजू नहीं पढ़ते, ठीक है, इसी डर की वजह से कि बात की कीमत नहीं मिलेगी। मैं आपके मेरे समाज पे एतमाद करके ना आपको मुश्किल तरीन शेर सुना रहा हूँ। मेरे मालिक मेरी मदद कर से मैं उसका रहे बाके में जो भी बात थी जाफ़े में है वही। मैं सदके भाई सदा दीवान शुक्रिया शुक्रिया भाई जान शेर सुनने बड़ा दिल आपके मिजाज के मुताबिक शेर गौर करने। मैं सदात से दुआ लेने के लिए शेर मुकर्रर करूँ गौर करने। मैं उसका रहे बाके की बात में बस मंजर की बात है। यार जो लफ्ज सुनते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ओहो बाकिर में जो भी बात थी जाफर में है वही। कलाकार को झंडे बुलंद करके जी जी सरकार की आमद भाई सारे भाई क्या कहने लुत्फ आ गया लुत्फ। यकीन करें कि जो अब मैं शेर पढ़ने लगाऊँ ना इस नारे की बड़ी सख्त ज़रूरत थी, ठीक है। सैयद बादशाह ने नारा ला के कमाल कर देता अगो हम तुसा की करने ये बातें शेर पढ़ के बैठ वह करने। भजन मानी और मफहूम के लिहाज से बहुत बड़ा शेर पढ़ दो, ठीक है। हो सकता है कि सारे दाद ना भी दें लेकिन मानी और मफहूम के लिहाज से बड़ा शेर बहस कर रहे हैं। जो नाम से तेरे मनसूब हो गई मैं सबके बहस कर रहे हैं। यूं यूं नाम से तेरे यूं नाम से फिका तेरे मंसूब हो गई। जो जाफरी बैठे हैं वो तो बोले यूं यूं नाम से फिका तेरे मंसूब हो गई। कैसे आज करें यूं नाम से सलाम पेश करता हूँ आपकी मेहर से भाई। सुभान शुक्रिया शुक्रिया भाई क्या कह लुत्फ आ गया। ऐसे ही रबीउल अव्वल की तमाम खुशियाँ मनाने का हक है जैसे आपने हक अदा कर दिया। करीमे करबला आपकी कदम कदम पे मुहाफ़ज़त फरमाए। मालिक ऐसी हज़ारों लाखों खुशियाँ आपको नसीब फरमाए। बड़ा खूबसूरत माहौल है। कसीदा आपके हुक्म के और बानियान के हुक्म के मुताबिक तिलावत किया। थक न गए हो तो एक मिठे मदनी दी मिठी जी नात होर ना सुना वो जेड़े चुप बैठे ना जी खामोश थोड़ा कमर भी रोना थोड़ा कोई उन्ना नाल भी करिए, ठीक है ठीक है। जैसे आप सलवात पढ़ेंगे ना वैसे ही मैं नात पढ़ूंगा। किसका दर्द रुबा है ये मन
खुशी है, मोमिनों के लिए ये खुशी है, पर अदू के लिए ये कजा है। है सुन के भाई क्या कह रहे, क्या कहने लोग, सारे समझते रहो, सलाबाद उछाल रहो। मैं फिर अर्ज कर रहा कि जो अच्छी शायरी अच्छे लफ्जों को सुनते हैं, मैं तखयल एक पेश करता हूँ, मेरे मालिक मेरी मदद करेंगे, जरूर 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 जरूर, मुझे यकीन है मुझे बात की कीमत मिलेगी। एक बारीक से रास्ते से गुजरूंगा, ऐसे समझे कि शायरी की पुल सरात से गुजरूंगा। शेर में किबला, शेर में पढ़ रहा हूँ कुरान मजीद की आयत की रोशनी में। गल जड़ी करन लगा, खालिक अकबर फरमा रहा है, खालिक अकबर तो सदाद ही नहीं दी, अली दा सोना अल्लाह फरमा रहा है, दाद ही नहीं दी, अली जैसा बादशाह जिसको सजदा करता है वो अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह भजन शेर नहीं, खुदा की कसम है, एक सुरूर है, एक लुत्फ है। किस कदर दिल रुबा है ये मंजर, कैसा जश्न हबीबे खुदा है, बड़ा लुत्फ है। आए आपको लुत्फ में शरीक करता हूँ, जो लफ्जों के कदरदान है, मैच करें यार। अपने पाकी का मकसद से मैंने जब नज़ूले मोहम्मद किया तो मैं सोच नहीं नहीं, नहीं ए, 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 मैं रुक इस वस्ते गया, मेरी गल जाया ना हो जाए। खालिक फरमा रहे, खालिक फरमा रहे, खालिक अल्लाह सोना फरमा रहे, ठीक है। अपने पाकीजा मखजन से मैंने जब नजूल मोहम्मद किया तो, एक मैं बात कर दूं, मेरे पास लफ्ज ही यही है, मैं अपनी कम इलमी का इतराफ़ करता हूं, ये नात आपके नौकर की लिखी हुई है। मैं भजन, मेरे पास लफ्ज ही यही है, नजूल वरूद आमद जहूर, ठीक है। कुछ बंदे ये भी कहते हैं कि विलादत होगी या पैदा होगी, ठीक है। मुझे नहीं पता कि ये पैदा होते हैं या इनका जहूर होता है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस घर की दहलीज पे सजदा किया जाए ना, फिर उसकी तलाशी नहीं लेनी चाहिए। नहीं दाद ही नहीं दी आपको, पंजाबी चाहते हैं भाई जिस घर दी चौखट ते दहलीज ते मत्था रखिया जाए ना, फिर वो दे चातियां नहीं मारी गई, ठीक है। मेरे पास लफ्ज ये है कि नजूर हो गया, हूँ शेर पढ़ने का लुत्फा सी, खालिक अकबर फरमा रहे अपने पाकी जा मखज़न से मैंने जब नजूर मोहम्मद किया तो, अपने पाकी जा मखज़न से मैंने जब नजूर मोहम्मद किया तो, काम इमरान के होठों से लेकर, काम इमरान के होठों से लेकर, काम इमरान के होठों से लेकर, मैंने आहमद का बोसा लिया है। भाई सारे सारे सके, अपने अपने पाकीजा मखजन से मैंने जब नजूल मोहम्मद किया तो, काम इमरान के होंठों से लेकर, गलत यू आई, काम इमरान के होंठों से लेकर मैंने अहमद का वो सारी। मैं शिया कौम दा एक अदना जिहा खादिम होने की हैसियत नाल, नौकर होने की हैसियत नाल एक अर्ज करना, शेर तो पहले जरूरी समझना। एक कौम है नुशहरी, भाई कमर मैंने आज तक देखा नहीं है कि वो कौन है, ठीक है। सुना ये है कि अली बादशाह को नऊज़ बिल्ला
अल्लाह मानते हैं या खुदा मानते हैं। मैं शिया कौम का अदना जहा खादिम होने की हैसियत मिंबर रसूल से खलो के आख रहा हम अली को अल्लाह नहीं वलीउल्लाह मानते हैं। अली अल्लाह नहीं, अली वलीउल्लाह है। अली जब मेरा सच्चा अली कहता है कि मैं खुदा नहीं तो बस नहीं। भैया मेरा अली सच्चा है। अली कहते कि मैं खुदा नहीं, जिसको मैं सजदा करता हूँ वो पूरी कायनात का। ठीक है गल मैं कर देती है। ठीक है हूँ भी जिसका जेन फंस जाए उसका मैं जिम्मेदार नहीं। अभी भी खुदा है और मैं गल थोड़े ना नहीं कर रहा, थोड़ी तरफों तो अपनी तरफों सांझे मुर्शद सरकारे अली बादशाह एक गल करे वो गल सुननी है। मैं कह मेरे मौला मेरे प्यारे अली आज हमको एक मुश्किल से आजाद कर दे। मेरे प्यारे अली आज हमको एक मुश्किल से आजाद कर दे। जो मोहम्मद है सरदार तेरा, मोहम्मद है सरदार तेरा, ये बता वो नुसहरी का क्या है। मैं सदके जिंदाबाद शाह साहब नौकरी पसंद आ रही है। ठीक है जी फिर आखा सारे का प्रोग्राम है बिस्मिल्लाह उच्ची आखो तो पढ़ता सबके फिर अर्ज कर रहा मैं करे मेरे मौला मेरे प्यारे अली आज हमको एक मुश्किल से आजाद कर दे। जो मोहम्मद है सरदार तेरा, आप जिए सदा आबाद शाद रहें। बस एक आखिरी नात वो मैं ज़रूर आपको सुनाना चाहूँ, फ़कत दो शेर। ठीक है एक लफ्ज़ है इज़्ज़त का लफ्ज़ है आप ये छोटा बच्चा बैठा है मुझे कहे भाई यासिर चाचू जाकिर आप हैं ना, अगर यही हो गल पंजाबी च आखसी ना तो आखसी भाई यासिर चाचू जाकिर तुसी हो ना इटली पा रहा। ठीक है या तुसी हो। ठीक है गल मैं करन लगा अल्लाह दे सोने हबीब नाल गल सुननी है तेरा मैं गल क्या करा तुसी हो पूरी नात दा लुत्फ चाचा तुसी हो पूरी नात दा जेड़ा मजा है ना जी वो लफ्ज है चाचा क्यों चुप तुसी हो पूरी नात दा लुत्फ किसी चीज़ तुसी हो ले सुने मैं कर रहा या रसूल अल्लाह फरमा रहे हाँ या सिर क्या आखना चाह रहे हैं मैं कह रहा खालिक अकबर दा प्यारा महबूब अल्लाह दा सोना हबीब है मेरे ते भाई क्या कहने लुत्फाया सदा बसते रहो सदा बाद साहब गल सुननी है मैं करें या रसूलल्लाह मेरे ते ख्याल देवी मुख्तार तुसी हो मेरे ते ख्याल देवी मुख्तार तुसी हो
सदके जी अगली गल मैं कर लगा ना, इस तो आसान इस तो खूबसूरत गल मेरे कोई नहीं। गल एडी सौखी है, बच्चे भी समझ आ सी, लेकिन लेकिन मैं महसूस हो रहा कि दात कोई कोई देसी। चलो चलो मैं वेखा था सही मजमा मेरे मिसरे नु वसूल किए कर दे। मैं करया या रसूल अल्लाह मैं क्या कहने मेरे ते ख्याल दे भी मुख्तार तुसी हो, मैं कुछ भी नहीं जो भी हो। सरकार शेर तो मैं बड़ा प्रवास करके पढ़ना चाह रहा, लफ्ज एक इस्तेमाल कर रहे हैं फोलना। फोलना मतलब तलाश करना, ठीक है। कुछ बंदे आ दिन फोलना, ठीक है, कुछ आ दिन फरोलना, कुछ आ दिन लभना, जड़े लइए बकर आए आ दिन गोलना, ठीक है, ठीक है। सारे लफ्ज मैं तुम दस दिते, ठीक है, लेकिन लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा फोलना। भाई कमर आ करें कि यहाँ जो लफ्ज है ना जी फोलना ये कहा जाता है, ठीक है। भाई कमर शेर कैसा है आपका मजमा वसूल कैसे करता है देखिए। आज कर रहे हैं गौर करने सरकार तुसी हो, मेरे ते ख्याल दे मुख्तार तुसी हो, तुसी हो लुत्फ लाने। मैं कर रहा या रसूल अल्लाह जिस वेले फोलदा सा मैं कुरान दे वरगे लगदा सी जीवे सामने हर वार तुसी हो। बस आखिरी शेर जनाब दी सहमत तमाम। मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करिया मुसलमान, मुसलमान एक लफ्ज है मुस्लिम, मुस्लिम ये दोनों एक ही लफ्ज है, इन दोनों लफ्जों का एक ही मतलब है। लफ्ज मुसलमान लफ्ज मुस्लिम एक ही लफ्ज है। गौर करना है मजीद तोजी नहीं। आखिरी शेर जैनता तमाम सारा जश्न एक पास एक कल्ला शेर एक पास मुख्तार तुसी हो, सरकार तुसी हो, हर बार तुसी हो। मैं करें या रसूलल्लाह जिस पाकिस्तान जनाब यासर गफ्फार कौसर साहब हूँ जनाब के सामने बिला ताखीर।